ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी, शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कोरोना के मामलों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को लेकर सरकार अहम निर्णय ले सकती है। विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बिल को लेकर विचार हो सकता है। कुछ सेवा नियम में संशोधन को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। भूमि आवंटन या वापसी से जुड़े बिंदुओं को लेकर भी हो सकता है विचार विमर्श। सीएमआर में शाम 5:30 बजे होगी मंत्री परिषद की बैठक। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मंत्रणा की जाएगी, चर्चा की जाएगी और विचार विमर्श के जरिए क्या मंथन निकलकर सामने आता है ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए गहलोत कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है और अब ऐसे में हो सकता है कि कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को लेकर अहम फैसला सामने आए, तो वहीं कई और अन्य मुद्दे भी हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। आयुषी, देखिए चूंकि आज बुधवार है और बुधवार के कारण जो अमूमन बैठक होती है मंत्रिपरिषद की, उसी क्रम में बैठक है। लेकिन चूंकि ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, एक तो कोविड चल रहा है, कई जो गाइडलाइन है उस पर रिव्यू होगा और किस तरह से प्रदेश में कोविड की स्थिति है, किस तरह से वैक्सीनेशन को और गति देनी है और जो मंत्री हाल ही में जो विभिन्न अपने प्रभार वाले जिलों में जाके आए हैं वहाँ की जो पूरी रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि विधानसभा का बजट सत्र होना है अगले महीने, कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र है, आउट किया जाएगा, तो उसको लेके भी एक तैयारी की बैठक कही जा सकती है क्योंकि जो कैबिनेट मुहर लगाएगी उसके बाद प्रस्ताव है राज्यपाल के यहाँ जाएगा, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हैं वो विधानसभा के सत्र को आहूत करेंगे और साथ में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल है जो बजट सत्र में आ सकते हैं, किन की ज़रूरत है, इन मुद्दों पे भी चर्चा होगी ताकि और साथ में किस तरह की घोषणाएं हैं वो बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करें वो, तो इसका फीडबैक भी मंत्रियों से लिया जाएगा। साथ में चूंकि इस बार कृषि बजट है वो अलग तरह से पेश किया जाएगा तो उसको लेके भी पूरा विचार होगा, मंथन होगा। इसके अलावा कई जो संशोधन हैं जो किए हैं सरकार ने सर्कुलर के माध्यम से जिन्होंने किए हो या प्रस्तावित है उनको, उन पर भी आज कैबिनेट की मोहर लगेगी। और इसके अलावा जो फ्लैगशिप योजना है उनकी क्रियान्विति को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खासकर चिरंजीव योजना की हम बात करें, उड़ान योजना की हम बात करें, इसका जो फीडबैक है वो मुख्यमंत्री को आज दिया जाएगा। तमाम जो मंत्री जो वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए कुछ मंत्री हैं जो अभी कोविड संक्रमण से गुजर रहे हैं, ऐसे में वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में यही माना जा रहा है कि वीसी के माध्यम से ये बैठक की जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो एक तो जैसे आपने कहा कि कोविड की जो स्थिति है प्रदेश में, किस तरह से इससे और उस पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि प्रदेश में पीक आना अभी बाकी है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि लोगों की जो कह सकते हैं आर्थिक स्थिति है इस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, तो किस तरह की एक गाइडलाइन की पालना करते हुए आगे बढ़ना है और किस तरह का फीडबैक आया, खासकर ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें। और साथ में अगर हम ये दूसरी बात करें तो जो केंद्र से जो विभिन्न जो सहायता मिलनी है उसको लेकर उनकी जो योजना है, उस योजनाओं को जिनमें राज्य का भी पैसा लगा हुआ है, खासकर जल जीवन मिशन की बात करें तो उसकी क्रियान्विति भी चूंकि जल्द करनी है, इसमें राजस्थान सरकार का भी आधा पैसा लग रहा है, तो उसकी क्रियान्विति किस तरह से किया जा सके, इन तमाम मुद्दों पे आज की जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उसमें मंथन होगा। तमाम बिंदुओं को केंद्र में रखकर ये बैठक होगी नरेश। अब ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी कि भूमि आवंटन या वापसी से जुड़े कौन कौन से अहम बिंदु होंगे जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। देखिए चूंकि पहले एक अभियान चल रहा था प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान, जिसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को भी दूर करना था, चाहे ज़मीनों के से जुड़े जो मामले जो आप कह रहे हैं। लेकिन चूंकि फिलहाल कोविड के कारण से ये शिविर स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को अपने स्तर पर जो फैसले लेने हैं, खासकर विभिन्न जो संस्थाओं को मुख्यमंत्री ने जो रियायती जो ज़मीन है वो देने का एक मन बनाया था, फैसला किया था, उसको लेके भी चर्चा होगी कि किन किन संस्थाओं ने जो है वो ज़मीन मांगी है उन पर क्या फैसला हो सकता है। इसके अलावा जो औद्योगिक संस्थान है जिन्होंने यहाँ राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए सरकार के यहाँ अपने प्रस्ताव रखे हैं उनको लेके भी आज फैसला होने की संभावना है, खासकर विंड एनर्जी लेने को लेके या सोलर एनर्जी को लेके पहले भी सरकार ने ज़मीन दी है जो भी यहाँ निवेश करने आ रहे हैं उनको, और भविष्य में भी किस तरह से जो प्रस्ताव आए हुए हैं उनमें को भी यहाँ उद्योग लगाने के लिए सरकार की तरफ से जो भी सहायता मिलनी है, चाहे वो भूमि आवंटन को लेके हो या अन्य पैकेज को लेके हो, इन पे भी आज मुहर लगाई जाएगी।
चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।